होम टीचिंग चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं टॉपिक में दिस दैट दिस दोस के बारे में बताऊंगी। वीडियो शुरू करने से पहले आप मुझे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। दिस के साथ इज लगता है, दैट के साथ इज लगता है, दिस और दोस इनका हम प्लूरल में यूज करते हैं। दिस के साथ दिस और दैट के साथ दोस। दिस के साथ इज यूज करेंगे, दैट के साथ इज, दिस के साथ आर, दोस के साथ आर। दिस इज अ कैट, दिस इज अ फ्लावर, दिस is an apple, this is a ball, this is a duck। इस तरीके से बच्चों को this के sentence करवाएं। That is a rose, ये दूर है rose, इसलिए हम that लगा रहे हैं। That is a rose, that is a cup, that is a tree, that is a kite, that is a pencil। ये हमारे सिंगुलर है इसलिए हम इज का यूज कर रहे हैं। दिस और दैट में हम इज का यूज करते हैं। यूज दिस दैट, मैंने ये मिक्स सेंटेंस दिए हैं जो दिस और दैट के हैं। जो पास में पिक्चर बनी हुई है वो हम उसमें हम दिस लिखेंगे। जैसे पास में है तो इसमें हम क्या लिखेंगे, दिस। दिस इज अ कार। बटरफ्लाई हमारी दूर है तो हम इसमें क्या लिखेंगे, दैट, दैट इज अ बटरफ्लाई। लीफ, लीफ पास में है तो हम लिखेंगे दिस, दिस इज अ लीफ। लोटस दूर है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, दैट, दैट इज अ लोटस। अब हम बात करते हैं दीज की। दीज आर हिल्स, बहुत सारे हैं ये। इसमें सिंगुलर, इसमें प्लूरल यूज होता है। दिस में हम सिंगुलर सिंगुलर यूज करते हैं और दीज में हम प्लूरल यूज करते हैं। तो इस प्लूरल है ये क्योंकि बहुत सारे हिल्स है तो इसलिए हम इसमें आर का यूज करेंगे। तो क्या लिखेंगे हम, दीज आर हिल्स, दीज आर बैलून्स, बहुत सारे बैलून्स हैं, फ्लावर, दीज आर फ्लावर्स। तो हम लिखेंगे यहाँ पे दीज आर फ्लावर्स, दीज आर रेड्स, दीज आर काइट्स। इस तरीके से बच्चों को ये दीज के सेंटेंस करवाएं। दोस, जो दूर होती है उसमें चीज उसमें हम दोज लगाते हैं। जैसे हम दैट में लगाते हैं उसी तरह से हम दोज लगाएंगे दूर की चीज में। जैसे दोज आर बैग्स, यहाँ पे पुलियर की बात हो रही है क्योंकि दो बैग्स हैं यहाँ पे, इसलिए हमने बैग्स लिखा है और इसलिए आर आ रहा है इसमें और दोज लगा रहे हैं हम। दैट वाले में क्या होता है, इज लगाते हैं, दूर चीज होती है हम दैट यूज करते हैं। दैट इज अ बैग हम लिखते हैं अगर यहाँ पर एक बैग होता, पर यहाँ पे बैग्स की बात हो रही है तो हम क्या लिखेंगे, दोज आर बैग्स, दोज आर स्टार्स, दोज आर क्लाउड्स, दोज आर ट्रीज, दोज आर डक्स। इस तरीके से बच्चों को ये समझाएं दिस दैट दिस और दोस के बारे में कि कहाँ पे दिस लगता है, दैट लगता है, दिस लगता है और दोस लगता है। इस तरीके से बच्चों को समझ में आ जाएगा। तो आप फिर इस तरीके से पक्षीर्ण बनाकर टिक द करेक्ट वर्ड, अब इसमें टिक लगाना है जो सेंटेंस के साथ आए।
जैसे इज अ पॉच, तो पॉच एक है और यहाँ पे पांच ऑप्शन दे रखा है, दिस और दिस, तो इस के साथ हम क्या लगाते हैं, दिस, तो हम इस पे करेक्ट लगाएंगे, टिक लगाएंगे। इसमें है आर स्टार्स, तो आर की बात हो रही है इसमें, तो हम किसको लगाएंगे, टिक दिस को, क्योंकि यहाँ पे पिलर की बात हो रही है, बहुत सारे स्टार्स हैं। फ्लावर्स आर वेरी प्रिटी, तो इसमें भी हम दिस पर टिक लगाएंगे। के साथ क्या लगेगा, इज आ रहा है, तो हम यहाँ पे दैट पे टिक लगाएंगे। इसमें शिप्स है, आर स्मॉल शिप्स, बहुत सारी शिप है, तो हम यहाँ पे दोस पे टिक लगाएंगे। पप्स आर पप्स, दोस पे टिक लगाएंगे। इस तरीके से बच्चों को टिक लगाने के लिए दे, सेंटेंस बना कर दे, ऑप्शन दे, बच्चे उन पे टिक लगाएंगे पढ़ पढ़ के कि कहाँ पर दिस का यूज होगा, दिस का होगा, दोस का होगा, दैट का होगा, और इसके साथ क्या क्या चीज लगती है, इस चीज के बारे में बच्चे जानेंगे। आंसर दिस क्वेश्चंस एज, हमने ये क्वेश्चन लिखे हैं, इनके बच्चों से आंसर लिखूंगा। व्हाट इज दिस, ये पिक्चर बनी हुई है, इस पिक्चर को देख के बच्चे लिखेंगे सेंटेंस। दिस वर्कशीट कराएं, दिस दैट दिस दोस ये सब कराएं, दैट के सेंटेंस कराएं, फिर इनमें यूज बताएं कि कौन सा यूज कहाँ पे करना है हमें, दिस के सेंटेंस कराएं, इसमें दोस के सेंटेंस कराएं, फिर इसमें टिक की वर्कशीट कराएं, इस तरीके से बच्चों को वर्कशीट कराएं, क्वेश्चन आंसर की कराएं। थैंक यू।